दोस्तों कोरोना के चलते फिल्मों की और बहुत सारे जो टीवी सीरियल हैं उनकी शूटिंग गोवा में शिफ्ट कर दी गई है, जिसके चलते बहुत सारे कलाकारों को प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्हें अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर अपने से दूर गोवा में जाकर रहना होगा और वहां पर ही शूटिंग करनी हो रही है। इन चीजों का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम ये कलाकार फेस कर रहे हैं। लेकिन इस दौर में भी इन कलाकारों के साथ सपोर्ट करने की जगह पर जो प्रोडक्शन हाउस है वो इन कलाकारों के साथ गलत बर्ताव पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड टीवी की एक बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस ईरानी बिग बॉस की प्रतियोगी भी रह चुकी हैं। इनको आप नाम से भले ना जानते हो लेकिन इनकी शक्ल और सूरत से आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। कुछ दिन पहले इन्हें प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया था और ये कहा गया कि अगले सीरियल की शूटिंग के लिए आपको गोवा चलना है और वहीं पर कुछ दिन रहकर शूटिंग करना होगा। और इनाज ने बस उस प्रोडक्शन हाउस से ये सवाल किया कि शूटिंग कहाँ पर होगी, मुझे रहना कहाँ होगा और कितने दिन रुकना होगा। इसी बात पर जो वो प्रोडक्शन हाउस है उसने कॉल कट कर दिया और उसके बाद कॉल तक नहीं किया और ये भी नहीं बताया कि उनकी जगह पर किसी और को रिप्लेस कर दिया गया है, किसी और कलाकार को जगह दे दी गई है। ये बात जब इनाज को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। ये कहना है कि सोच लीजिए कि इंडस्ट्री की इतनी सीनियर और पुरानी एक्टर के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच लीजिए न्यू कमर्स के साथ किस तरह का और कितना गंदा बर्ताव किया जाता होगा। कहना है कि मुझे तो बस इतना ही जानना और पूछना था, मैंने सिर्फ यही सवाल किया था कि कितने दिन की शूटिंग होगी और कहाँ रुकना होगा, क्योंकि घर पर मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। मुंबई में शूटिंग होती है तो हर रोज शूटिंग के बाद मैं उनसे मिल लिया करती हूँ, लेकिन गोवा जाकर रहना होगा महीने दो महीने के लिए, तो ये काम थोड़ा मुश्किल होगा। उस हिसाब से मुझे अपनी प्लानिंग को तय करना था। लेकिन इतनी ही बात पर प्रोडक्शन हाउस ने ये जिम्मेदारी नहीं समझी कि मुझे कॉल करके बता दे और ये भी बता दे कि तुम्हारी जगह पर किसी और को ले लिया गया, जबकि मैंने इस सीरियल में काम करने से मना भी नहीं किया था। अब देखिए, ये बात तो हर कोई जानता है कि बॉलीवुड और टीवी सीरियल की जो दुनिया है वो बाहर से तो बहुत रंगीन दिखती है लेकिन उसके पीछे बहुत ही बड़ा काला अंधेरा है और उस काले अंधेरे में हर कोई खो जाता है और उसकी कोई इज्जत नहीं की जाती है। जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जो बहुत ही पैसे वाले हैं इंडस्ट्री में कलाकार, उन्हीं की ही इज्जत की जाती है और उन्हीं की ही बात सुनी जाती है। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे, आपकी बात मुकेश के साथ, धन्यवाद।